और गाइस शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज YouTube के साथ। YouTube ने एक नया फीचर, एक नया अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया और इस अपडेट में आपको देखने को मिलती है सुविधा एक चैप्टर को स्किप करने की। मतलब YouTube पे होता है ना, नीचे आप देख रहे होंगे ये टाइमलाइन जो है, इसमें आपको अलग अलग चैप्टर्स देखने को मिल रहे होंगे, तो एक चैप्टर से अगर आपने अगले चैप्टर पे सीधा स्किप करना है तो आप दो उंगलियों के साथ राइट साइड पे अपनी स्क्रीन को डबल टैप अगर करेंगे तो आप ऐसा कर पाएंगे। लेफ्ट साइड पे करने पे ऑफकोर्स प्रीवियस जो चैप्टर है वो खुल जाएगा। मेरे हिसाब से एक अच्छा फीचर है व्यूअर्स के लिए और वैसे हमारी जो वीडियो है उसको भैया आपको पूरा ही देखना चाहिए। Guys, OnePlus Nord 2, कल इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि यार एक यूजर का OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन allegedly reportedly ब्लास्ट हो गया और ये सेकंड इंस्टांस था OnePlus Nord 2 के ब्लास्ट का। OnePlus ने इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के फॉलो अप में एक रिपोर्ट रिलीज की है और OnePlus कह रहा है कि यार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये जो यूजर है इसने कभी OnePlus का कोई डिवाइस यूज ही नहीं किया था और ये सारी की सारी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ये भैया फॉल्स है, फेक है। तो यार सबसे अच्छी चीज ये है कि कोई भी यहाँ पे हार्म नहीं हुआ किसी इंसान को, बट स्टिल सारे ब्रांड्स को मेरी तरफ से यही सजेशन है कि यार अपने जो स्मार्टफोन्स हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी को आपको और भी बढ़िया बनाना चाहिए। गाइस टिकटॉक ने एक और नया रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। टिकटॉक हैज सरपास्ड फेसबुक एंड हैज बिकम वर्ल्ड्स नंबर वन मोस्ट डाउनलोडेड ऐप ऑफ 2020। काफी सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया ये बैन हो रखी है, बट स्टिल टिकटॉक यहाँ पे फट्टे चकता जा रहा है और वैसे इंडिया में काफी जल्दी आपको टिकटॉक किसी और नाम से देखने को मिलने वाली है। गाइस Xiaomi ने अपना एक नया स्मार्ट डॉग लॉन्च कर दिया है। Xiaomi साइबर डॉग हैज फाइनली बीन लॉन्च्ड और ये स्मार्ट डॉग बहुत सारे मैन्यूवर्स वगैरह कर सकता है और इसकी प्राइसिंग है समवेयर अराउंड 1,15,000 रुपए अभी के लिए। Xiaomi ने इसको ओपन सोर्स भी कर दिया है, मतलब काफी नए फीचर्स वगैरह आपको इस Xiaomi के साइबर डॉग में जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं और ये जो डॉग है इसको Xiaomi प्लान कर रहा है 1,000 यूनिट्स वगैरह सेल करने की। काफी इंटरेस्टिंग ये प्रोडक्ट है, आप बताइए आपको Xiaomi का साइबर डॉग कैसा लगा। गाइस कुछ अपडेट्स की बात कर लेते हैं। Samsung Galaxy A10 स्मार्टफोन इंडियन यूनिट्स के लिए Samsung ने फाइनली Android 11 अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। सो अगर आप इस स्मार्टफोन को यूज कर रहे हो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है, Android 11 फाइनली हैज हिट योर Galaxy A10 स्मार्टफोन। इसके अलावा OnePlus ने आज ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि OnePlus 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स OnePlus 8, OnePlus 8 Pro और OnePlus 8T इन तीनों स्मार्टफोन्स में ColorOS अपडेट रोल आउट होगा Q1 2022 में। मतलब लग रहा है कि यार ऑक्सीजन ओएस और ColorOS का ये जो एमलगमेशन है, जो मर्जर है, ये काफी ज्यादा अब हेविली डोमिनेट होने वाला है ColorOS से और आपको जल्दी ही इन तीनों स्मार्टफोन्स में ColorOS देखने को मिलने वाला है। Xiaomi ने फाइनली अपने Mi Mix 4 को लॉन्च कर दिया है फिलहाल के लिए चाइना में और इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 888+ प्रोसेसर, साथ में एक ट्रूली अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। इसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग है Yuan 4999, दैट इज समवेयर अराउंड 57,000 रुपीस और Mi Mix 4 की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइसिंग सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। Mi Mix 4 आपको इंडिया में भी जल्दी ही देखने को मिल सकता है, अलबत्ता Xiaomi क्लेम कर रहा है कि यार ये स्मार्टफोन इंडिया में खाली शोकेस किया जाएगा। मतलब हो सकता है इसको Mi Mix अल्फा की तरह लॉन्च कर दें बट लॉन्च ना करें। और गाइस इसके अलावा Xiaomi ने अपने कुछ नए स्मार्ट टीवीज भी लॉन्च किए हैं चाइना में, Mi TV Lux 77 इंचेस, साथ में 65 इंचेस और 55 इंचेस। ये तीन टीवीज को OLED टीवीज को लॉन्च किया गया है चाइना में, काफी महंगे ये टीवी है। 77 इंचेस वाला जो टीवी है उसकी इंडियन प्राइसिंग बनेगी समवेयर अराउंड 2,30,000 रुपीज और इन सारे टीवीज की स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, प्राइसिंग, ये टीवीज दिखते कैसे हैं ये सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और गाइस इसके अलावा Xiaomi ने अपना एक नया स्मार्ट स्पीकर Xiaomi Sound भी लॉन्च किए और साथ में ऑफ कोर्स Mi Pad 5 Pro, ये दोनों टैबलेट्स भी Xiaomi की तरफ से लॉन्च हो गए और जो भी डिटेल्स इन टैबलेट्स की हैं ये सारी चीजें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग इन दोनों टैबलेट्स की प्राइसिंग है और आई होप कि यार Mi Pad 5 सीरीज के टैबलेट्स हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाए। गाइस गूगल टाइटन सिक्योरिटी कीज के दो नए वेरिएंट्स को गूगल ने अब लॉन्च कर दिया है। एक में आपको देखने को मिलता है यूएसबी टाइप ए पोर्ट और दूसरे में आपको देखने को मिलता है ऑफ कोर्स यूएसबी टाइप सी पोर्ट। दोनों ही सिक्योरिटी कीज में आपको एनएफसी सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है और टाइप ए पोर्ट वाली की प्राइसिंग है $30, मतलब समवेयर अराउंड 2100 रुपीज और जो टाइप सी पोर्ट है ये वाली की प्राइसिंग है $35, मतलब 2600 रुपीज के आसपास आपको गूगल टाइटन सिक्योरिटी की का टाइप सी पोर्ट वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। सैमसंग ने इंडिया में
अपना एक नया स्मार्ट प्रोजेक्टर लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है सैमसंग द प्रीमियर 4K प्रोजेक्टर। ये आपको दो अलग अलग वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। एक वेरिएंट में आपको 130 इंच तक की मतलब प्रोजेक्शन देखने को मिल जाती है और दूसरे में थोड़ी सी कम 120 इंच की आपको मिलती है प्रोजेक्शन। प्राइसिंग की बात करेंगे तो काफी ज्यादा ये महंगे प्रोडक्ट्स हैं। 6,29,900 रुपीज का आपको बड़ा वाला प्रोजेक्टर मिलता है और जो दूसरा वाला है वो आपको थोड़ा सा कम प्राइस में 3,89,900 में इंडिया में देखने को मिल जाता है। गाइस, मीडियाटेक ने अपने दो नए प्रोसेसर्स मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 और मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 इनको आज अनवेल कर दिया है। इन दोनों 5G प्रोसेसर्स की स्पेसिफिकेशंस फीचर्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। गाइस, HP ने इंडिया में अपने दो नए लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं। इनका नाम है HP NV14 और साथ में HP NV15। दोनों में आपको 11th जनरेशन इंटेल के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं और HP NV14 की प्राइसिंग है 104,999। अगर आप NV15 लेना चाहते हो तो वो आपको इंडिया में पड़ता है 154,999, मतलब 1,50,000 रुपए के आसपास आपको HP NV15 लैपटॉप इंडिया में आप देखने को मिल जाता है। और गाइस, लॉन्चेस की आज की लास्ट न्यूज निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी बुक 18th अगस्त को लॉन्च होने वाली है चाइना में। ये तो रियलमी ने कल ऑफिशियली भैया बता दिया था, बट इससे भी पहले आपको मैंने बताया था कि यार इंडिया में भी रियलमी GT सीरीज के स्मार्टफोन्स के अलावा आपको रियलमी बुक भी 18th को ही देखने को मिल सकती है और ऐसा ही हुआ है। आज रियलमी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि यार रियलमी बुक स्लिम दैट इज गोइंग टू बी द नेम और रियलमी बुक स्लिम आपको इंडिया में 18th अगस्त को ही देखने को मिलने वाली है। अनबॉक्सिंग वगैरह भी आ जाएगी और ये जो पोस्टर है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो यार दो USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको क्लियरली यहाँ पे रियलमी बुक में देखने को मिल जाते हैं। गाइस, सर्टिफिकेशंस टाइम। आज भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स और बहुत सारे टेक प्रोडक्ट्स हुए हैं सर्टिफाई और शुरू करते हैं ZTE के साथ। गाइस, ZTE Xen 30 Ultra ये स्मार्टफोन जल्दी ही चाइना के अलावा बाकी की एशियन मार्केट्स में भी लॉन्च होने वाला है। आज मैंने मलेशिया की सिरिम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे ZTE Xen 30 Ultra स्मार्टफोन को कर लिया है स्पॉट। बहुत जल्दी आपको ये स्मार्टफोन अब ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस, Xiaomi का एक नया स्मार्ट बैंड Xiaomi Sport स्मार्ट बैंड भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। ये भी आज मलेशिया की सिरिम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है। टेक्नो का भी एक नया वायरलेस स्पीकर भैया जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इसका नाम है Tecno S2। Tecno S2 को आज मैंने किया है स्पॉट ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे। और Vivo का एक नया स्मार्टफोन Vivo Y21 2021 ये स्मार्टफोन इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इंडिया की BIS पे ये स्मार्टफोन भी आज सर्टिफाई हो चुका है। और गाइस, माइक्रोमैक्स की तरफ से वैसे बात करें तो काफी ज्यादा इन सीरीज के स्मार्टफोन्स आपको जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं। माइक्रोमैक्स के इन सीरीज के 3 नए स्मार्टफोन्स को आज मैंने इंडिया की BIS पे कर लिया है स्पॉट। जल्द ही आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। 5G फोन भी भैया इंडिया में जल्दी ही माइक्रोमैक्स की तरफ से लॉन्च होने वाला है। गाइस, मोटो का एक और नया स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। मोटो जी प्योर स्मार्टफोन को कनाडा की REL सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे, साथ में FCC पे और काफी ज्यादा अलग अलग सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पे आज मैंने स्पॉट कर लिया है। और गाइस, सर्टिफिकेशंस की आज की लास्ट न्यूज निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी बुक तो जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, बट रियलमी पैड ये भी रियलमी की तरफ से जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। आज रियलमी के फर्स्ट एवर टेबलेट को मैंने EEC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे कर लिया है स्पॉट। जल्द ही आपको रियलमी पैड भी अब मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, सर्टिफिकेशंस की न्यूज तो हो गई खत्म, अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रेडमार्क्स की। एक ही ट्रेडमार्क आज वैसे निकल के आया है और ये है OnePlus का टंटा। OnePlus टंटा मैंने आपको बताया था कि यार कल ग्लोबल मार्केट में ट्रेडमार्क हुआ था, बट जो भी OnePlus की ये चीज है, OnePlus का जो भी ये टंटा है, ये जल्दी ही इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। इंडिया की ट्रेडमार्क वेबसाइट पे भी OnePlus ने अपने टंटा को ट्रेडमार्क कर दिया है। गाइस, iQOO 8 iQOO 8 Pro इन दोनों स्मार्टफोन्स की ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशंस आज लीक हो गई हैं। नोटेबली iQOO 8 Pro में आपको एक 6.78 इंच की मिलेगी सैमसंग की एमुलेट E5 डिस्प्ले, साथ में आपको कर्व्ड यहां पे एजेस देखने को मिलने वाले हैं। बाकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और iQOO 8 की बात करें, इसमें आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ में 4350 mAh की बैटरी होगी, 120 वाट्स की होगी फास्ट चार्जिंग और साथ में 48+13+13 ये आपको यहां पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। और गाइस, Realme Narzo 50A ये स्मार्टफोन तो मैंने आपको बता दिया था कि इंडिया में लॉन्च होने ही वाला है। आज आपको बताना चाहूंगा कि यार Narzo 50 Pro ये स्मार्टफोन भी इंडिया में जल्दी ही आने वाला है और ये स्मार्टफोन सुनने में आ रहा है कि एक 5G स्मार्टफोन हो सकता है। Realme Narzo सीरीज का एक और नया 5G स्मार्टफोन आपको काफी जल्दी इंडिया में आप देखने को मिलने वाला है।
और गाइस वीडियो करते हैं खत्म सैमसंग के साथ बिकॉज सैमसंग की गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट आज होने वाली है लाइव 7:30 बजे शाम को। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, मैं भी वहीं पे हूंगा, आप आके मेरे साथ कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं। गैलेक्सी Z Fold 3, गैलेक्सी Z Flip 3, गैलेक्सी Watch 4 सीरीज की घड़ियां और सैमसंग के नए TWS, ये सारी चीजें आपको आज देखने को मिलने वाली है। तो यार ये तो होगा ही होगा, बट साथ में OnePlus ने सेम टाइम पे अपनी भी कुछ अनाउंसमेंट करनी है। यस, OnePlus ने टीज करना शुरू कर दिया अपने कुछ नए प्रोडक्ट को, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार लग रहा है कि यार OnePlus का कोई फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। वैसे इट इज वेरी अनलाइकली बिकॉज अभी तक कोई लीक्स वगैरह निकल के नहीं आए, और यहाँ पे हिंज अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो लग रहा है कि यार ये दो स्मार्टफोन्स को ऐसे ना चिपका के रख दिया है, और OnePlus कहीं ना कहीं सैमसंग को मॉक करने के लिए हो सकता है ये पोस्ट वगैरह कर रहा हूं। वैसे आपको क्या लग रहा है कि यार OnePlus ये मजाक वजाक कर रहा है या असली में OnePlus का फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च होगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट पहले देख लेते हैं कल का पोल। न्यूज ऑफ द डे, स्टफ लिस्टिंग्स आर मी न्यूज ऑफ द डे, डिड यू लाइक दिस आइडिया और नॉट? 77% लोग कह रहे हैं यस। तो यार मैं तो जाऊंगा मेजॉरिटी के साथ। अब अगर बात करें आज की वीडियो के पोल की, तो यार आज भी थोड़ा सा फीडबैक रिलेटेड पोल है। गाइस सर्टिफिकेशन वगैरह को मैंने एक सेगमेंट में डाल दिया है, कुछ बाकी की न्यूज को अलग, लॉन्चेस को अलग और अपडेट्स को अलग। ये सारी चीजों से मेरे हिसाब से टेक्स्ट अप थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो गई है, बट स्टिल आपको क्या लगता है कि यार क्या ये तरीका बेटर है या पहले वाला तरीका बेटर था? कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। एंड गाइस स्पीकिंग ऑफ स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी न्यूज़ ऑफ द डे, चित्रंजन जी कह रहे हैं गगन अरोड़ा ने अनाउंस किया है, गगन अरोड़ा जी आईक्यू वाले जो हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि यार फॉर एवरी आईक्यू लेजेंड डिवाइसेस लॉन्चिंग इन द नेक्स्ट 2 इयर्स द फर्स्ट यूनिट विल बी फॉर मिस्टर नीरज चोपड़ा। तो गाइस ये है आज की स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी न्यूज़ ऑफ द डे, इसी पे करते हैं आज की न्यूज़ को खत्म। आई होप आपको आज की वीडियो भी हर बार की तरह पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। Till then, खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए, सदा awesome रहिए। God bless you all. A peace. Jai Hind.